हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑल ओवर यूटी थर्ड रैंक सिक्योर करा था आकाश गुप्ता ने। ये मेरे साथ कॉलेज में थे तो मैंने कहा है कि आप लोगों के लिए जितनी भी तैयारी इन्होंने अपनी करी थी, जिसकी वजह से इन्होंने 103 प्लस स्कोर करा था एग्ज़ाम में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के, तो वो आप लोगों को किसी तरीके से प्रोवाइड करें। तो आपको लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की फॉर्म में यहाँ पे अब चीज़ें आकाश गुप्ता सर खुद लेके आएंगे, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अकाउंटेंसी के साथ हम ये सेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी आप जो आवाज़ सुनने वाले हैं वो आकाश गुप्ता की होगी। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पार्ट वन है। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के दौरान ये हमारे साथ ओली बोर्ड की ऐप पे टेस्ट भी देते थे। जब स्टार्टिंग के टेस्ट हम लोगों ने पिछले साल जून में स्टार्ट किए थे तो इनका स्कोर 70-80 के बीच में आता था, बट ओवरऑल इन्होंने इतनी इंप्रूवमेंट की कि ये फाइनल 103 प्लस पे इन्होंने ख़त्म किया। तो यही जो डिटेल नोट्स हैं, या फिर अगर हम बात करें आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट हैं या मॉक टेस्ट हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, वो आपको ओली बोर्ड की ऐप पे अभी भी मिल जाएंगे। और जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इस लेक्चर के बाद जो PDF होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो अब जो आवाज़ सुनेंगे वो होगी आकाश गुप्ता की। ये सीरीज आपकी सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ही नहीं बल्कि जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आप देखते हैं कि आप लोगों के कितने स्कोर आते हैं, क्योंकि 50 प्लस लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है अकाउंटेंसी के। अब ये आपका टेस्ट होगा कि आप लोग जो टॉपर हैं यहाँ पे, वो अगर आपके लिए MCQs लेके आते हैं तो आप कितने सही आंसर्स अभी मार्क कर पाते हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है। तो अब जो आवाज सुनेंगे वो होंगी आकाश सर की। तो चलिए, अब मेरा यहां से जाने का समय आ गया। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। हेलो गाइस, आई होप आपको अभी सुमित सर ने सब कुछ बता दिया और मेरे बारे में। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम MCQ से भी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो जो मुझे मैक्सिमम आई थिंक मुझे जानते ही होंगे, ठीक है, जो नहीं भी जानते उनको भी मेरे बारे में सुमित सर ने बता दिया। और मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं जम्मू में रहता हूँ। हम आज से आपकी MCQ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटेंसी पोर्शन की, फॉर द फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन। आप में से मैक्सिमम ने जो है लगभग बताओ जैसे 70-80% जो हैं वो PWA एग्ज़ाम में भी थे, ठीक है। तो ये 70-80% ने अकाउंटेंसी कभी ना कभी पढ़ी हुई है, और जिन्होंने जो नए भी हैं फ्रेशर्स उन्होंने भी सिलेबस को काफ़ी हद तक कम्प्लीट कर लिया है। ये वीडियो फ्रेशर्स प्लस जिन्होंने तैयारी की है उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं MCQ लगाऊँ तो मैं सीधे क्वेश्चन बोल रहा उसका आंसर होता है, ऐसा नहीं है। मैं हर ऑप्शन के साथ कुछ ना कुछ फैक्ट वगैरह मैं बताता जाऊँगा, इसलिए ये वीडियो जो है एज ए रिविजन भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और अगर आपने ये चैप्टर, जैसे आज हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टर्म्स, इसके साथ साथ मतलब कि आप ये चैप्टर भी कवर करोगे और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जिसने एक बार भी पढ़ा है वो भी ये वीडियो देखो, ठीक है। और साथ साथ में मैं इस चैप्टर की एक ये जो है जो हमारी जो PDF है, इस PDF का एक मैं गूगल ड्राइव लिंक बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मैं डलवा दूंगा। और जिसने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है या जो ये वीडियो जो है फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करने जा रहा है हमारे MCQs, वो पहले आप MCQs अपने लेवल पे सॉल्व करो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखो। क्यों? क्योंकि जब आप MCQ सॉल्व कर लोगे, फिर MCQ सॉल्व करने के बाद आप वीडियो देखोगे तो आपके आंसर क्रॉस चेक हो जाएंगे। तो चलते हैं स्टार्ट, और वीडियो को स्टार्ट से लेते वास्तव देखो ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन आता है, द पायोनियर ऑफ अकाउंटिंग इज, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, लुकास पाटोवी इसका आंसर है, ठीक है। इसमें कोई वो नॉलेज नहीं वगैरह या राइट कोई भी इसमें कंसेप्ट वगैरह यूज नहीं हो रहा, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है लुकास पाटोवी। आई होप मैक्सिमम का आंसर ये सही ही होगा, और ये इजी क्वेश्चन में बात किया जाएगा, कोई टफ या मीडियम लेवल का क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आता है द टाइप और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट जनरेट्स रिपोर्ट फॉर द यूज ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज सच एस क्रेडिटर्स इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसी सरकार। देखो, हर अकाउंटेंसी में एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, ठीक है। मैं यहाँ से मेरे पास वो मैं फिंगर से ही टाइप करूँ तो प्लीज़ कोऑर्डिनेट कीजिएगा। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, जैसे कि आपके मैनेजर्स, जैसे कि ओनर, ये सब इंटरनल यूजर्स होते हैं कंपनी के। एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स,
ये तो उन्होंने आपके क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होता है, जिनसे आपने पैसा उधार लिया है, जिनसे आपने पैसा क्या किया है, उधार। अब जब आपने पैसा उधार लिया है तो वो पैसा आपको कभी ना कभी वापस करना ही है, और जो पैसा आपने वापस करना है वो आपके लिए क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी। अगर सपोज तो मैंने किसी के 1000 रुपीज़ देने हैं, है ना, अगर मैंने किसी के 1000 रुपीज़ देने हैं तो वो चीज़ मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे एक टेंशन देती हुई ये चीज़, ये चीज़ मुझे हमेशा परेशान करती हुई कि हाँ यार मैंने उससे 1000 रुपये देने हैं। एसेट क्या होता है, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो, मुझे किसी चीज़ का पैसा देना वो मुझे फ़ायदा नहीं है, वो मुझे नुकसान ही है। अब इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट, तो हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे अगर किसी मैंने किसी का पैसा देना है तो वो मेरी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी आता है। मैंने बोला था ना, हम हर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। तो कौन सी टाइप और ब्रांच है अकाउंटिंग की जो एक्सटर्नल पार्टी से रिपोर्ट्स जनरेट करती है, वो आती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग नहीं आती, मैनेजरियल अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स वाइज यूज़ करते हैं। टैक्स अकाउंटिंग भी नहीं आती, इससे टैक्स मतलब होती कैलकुलेशन होती है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह आप कहाँ पे यूज़ कर देखते हो, आप देखते हो CID वगैरह जो बच्चे देखते होंगे या क्राइम पेट्रोल, वहाँ पे फॉरेंसिक एप्स का यूज़ होता है। फॉरेंसिक होता है जब कोई फ्रॉड वगैरह हो जाए तो कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई है, मतलब जाँच करने के लिए, देखने के लिए कि आप फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ है, इन सब के लिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल यूज़र में कौन सा नहीं आएगा। देखिए, इन्वेस्टर कौन होता है, मेरे जो मेरी कंपनी में बाहर से पैसा लगाता है, तो ये तो एक्सटर्नल यूज़र है, ठीक है, बट इट होगा नॉट एन एक्सटर्नल यूज़र। क्रेडिटर, क्रेडिटर भी बाहर से पैसा लगाता है, तो ये भी एक्सटर्नल यूज़र है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैनेजर, मैनेजर कौन होता है, मेरी कंपनी का अपना बंदा होता है, और कंपनी का अपना बंदा है तो एक्सटर्नल यूज़र नहीं है। तो क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूज़र, कौन सा इनमें से एक्सटर्नल यूज़र नहीं है। तो एक्सटर्नल यूज़र कौन सा नहीं है, मैनेजर। ठीक है गाइस, वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा, आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये आगे वाले 4 क्वेश्चन वो होंगे जो मैंने जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में भी पूछे गए थे, तो इनको अच्छे से करेंगे। ये बोलता है ज्वाइंट अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट किस में क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, अकाउंट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पर्सनल, एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। इम्पर्सनल के भी दो टाइप्स होती हैं, एक सेकंड मैं इसको ऊपर से बनाता हूँ। अकाउंट्स की दो टाइप होती है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है इसकी भी फर्दर दो टाइप हो जाती है, एक आता है रियल अकाउंट, एक आता है नॉमिनल। और रियल अकाउंट में क्या आते हैं आपके ज़्यादा, एसेट्स। रियल अकाउंट में आते हैं हमारे एसेट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है लॉस, एक्सपेंस, इनकम, गेन, ये आते हैं हमारे किसमें, नॉमिनल अकाउंट में। तो पर्सनल में क्या आता है, पर्सनल में भी तीन आते हैं, एक आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक आता है इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ आकाश, ठीक है, मैंने किसी को पैसा दिया, ठीक है, मैंने किसी को पैसा दिया, जिसको भी दिया, मैंने अपने फ्रेंड को दिया। बेटा सपोज मेरे फ्रेंड का नाम है रोहित, ठीक है, तो मैंने अगर रोहित को पैसे दिए तो मैंने अपनी जो बुक्स है उसमें एंट्री क्या करनी है कि मैंने रोहित को पैसा दिया है, ये पैसा मुझे वापस मिलना है। तो मैं अगर अपने नज़रिए से देखूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, क्योंकि अकाउंटेंसी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलाऊँगा, ना कि रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब मेरे बुक्स में रोहित मेरा क्या बन गया है, रोहित है मेरा डेप्टर, रोहित ने मेरा पैसा देना है, तो वो मेरी एसेट है, क्योंकि अल्टीमेटली रोहित क्या है, अदर स्पोर्ट्स मैंने इसको 500 रुपया दिया, तो अब ये देते रोहित मेरे चलता फिरता 500 रुपया है, ठीक है, जिससे मैं वो पैसा कभी ना कभी उससे वापस ले लूँगा। अब उसके बाद आता है नॉ, ये आपको पता चल गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो इंसानों के नाम पे ही होते हैं। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल में क्या आती है, आर्टिफिशियल में आती है जैसे सपोज तो मैंने किसी कंपनी को रेंट किया है, ठीक है, मैंने किसी फर्म को पैसा रेंट दिया हुआ है या किसी फर्म से पैसा लेना है, तो वो आता है आर्टिफिशियल, ठीक है।
उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में ज़्यादा आते हैं जो दो वर्ड से जुड़े होते हैं, जैसे एक्यूर्ड इनकम, ये हम आगे पढ़ेंगे, एक्यूर्ड इनकम हो गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस तरह से। तो ड्राइंग अकाउंट किस में आता है? ड्राइंग्स क्या होती हैं? वो पैसा बिजनेस का, अब याद रखना, बिजनेस का पैसा जो ओनर अपने लिए ड्रॉ करता है, अपने लिए, अपने खर्चे के लिए निकालता है, बिजनेस से खर्चे के लिए नहीं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरा एक गाड़ियों का शोरूम है, ठीक है, जैसे जमटराश वेटरवेट्स, जमटराश वेटरवेट्स मारुति का शोरूम जम्मू में, कश्मीर में भी है, वो काफ़ी मशहूर है। अब वो किनका है? वो देवेंद्र राणा जी का शोरूम है। अब जमटराश वेटरवेट्स में जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहाँ से एक गाड़ी स्विफ्ट जो है देवेंद्र राणा अब निकालता है, अपने बेटे को दे देता है, ठीक है। अब उनके बेटा गाड़ी चला रहा है, तो जब उनका बेटा गाड़ी चला रहा है, वो बिजनेस से काम तो आ नहीं ना भैया, तो एक ड्राइंग्स आएंगी, ठीक है। और ड्राइंग्स किस में आती हैं? पर्सनल अकाउंट में आती हैं। किस में आती है? पर्सनल। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने अपने यूज़ के लिए निकाली। ये कोई आप एसेट वगैरह नहीं मानोगे। एसेट कब होता? एसेट होता अगर जमकाश वही तो से गाड़ी निकली, वो गाड़ी जो है वो एज ए, आपने डेमो का नाम सुना होता ना, जिसमें आपको टेस्ट ड्राइव वगैरह लेते जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो डेमो कार जो है वो एक एसेट है, क्यों? क्योंकि उससे कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, बंदा आएगा, गाड़ी चलाएगा, उसको पसंद आएगी तो गाड़ी बुक कर देगा, वो डेमो कार भी 4-5 साल बाद बिक जाती है, ठीक है। तो इसलिए ड्राइंग अकाउंट क्या है? और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट वो ये बोलता है कि बिजनेस में ओनर, ठीक है, और बिजनेस, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ओनर का पैसा और बिजनेस का पैसा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसे ड्राइंग अकाउंट जो है वो किसमें क्लासिफाइड होता है? पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नॉमिनल अकाउंट। अभी हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, मैंने बताया था एक पर्सनल होता है, एक इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल में मैंने रियल बताया था और नॉमिनल बताया था। तो नॉमिनल अकाउंट किस में आता है? सीधे आंसर है इम्पर्सनल अकाउंट। रूट कॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, रूट कॉज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ कैटेगरी में डाल सकते हैं, और ये भी पंचायत अकाउंट सिस्टम में पूछा गया था। इसमें मैथ्सम देखो, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता था इसका आंसर स्टीवर्डशिप है, क्योंकि मैंने 2-3 एमसीक्यू में भी देखा था, लेकिन स्टीवर्डशिप ही क्यों आंसर होता है? स्टीवर्ड क्या होता है? जैसे हम एयर, जब हम कभी एरोप्लेन में जाए, कभी प्लेन में बैठे, तो वहाँ पे जो फीमेल जो हमें खाना सर्व करती है, जो हमारी सर्विस करती है, उसको हम बोलते हैं एयर होस्टेस। तो वहाँ पे जो मेल जो होते हैं, अब हम उन क्या बोले, मेल एयर होस्टेस नहीं, दो होते स्टीवर्ड। स्टीवर्ड क्या होता है? जो किसी और का ख्याल रखता है। वैसे ही कंपनी का ख्याल कौन रखते हैं? अकाउंटेंट्स। कल तो आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बनोगे, तो आपको गवर्नमेंट के पैसे को मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, आपको संभालना है, उसको अच्छी तरह से मैनेज करके आपको रखना है। तो स्टीवर्डशिप का काम जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूट कॉज क्या है? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, की कंपनीज को सर्व करना। अभी आता है विच कंसेप्ट सजेस्ट, ये पेज पे पूरा नहीं आ रहा है तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। विच कंसेप्ट सजेस्ट एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट, कहने का मतलब ये है कि कौन से कंसेप्ट के चलते ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बैलेंस शीट में नहीं आता। पहले हम इन चारों कंसेप्ट को समझते हैं। पहला आता है एक्चुअल कंसेप्ट। एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है? एक्चुअल कंसेप्ट ये बोलता है कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड होगी जब वो अकर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, तो मुझे मई की सैलरी नहीं मिली, ठीक है, लेकिन मैंने मई में काम किया था, मई में मैंने सर्विस ली थी, मुझे मई की सैलरी थोड़ी वेट मिलती है, सपोज तो अगस्त में मुझे 3-4 सर्विस इकट्ठी मिलती है, बट कंपनी के बुक्स में ये सैलरी मेरी अगस्त में नहीं रिकॉर्ड हो रही, ये मई में रिकॉर्ड हो रही, क्यों? क्योंकि मैंने सर्विस तो मई में दी थी ना। तो एक्चुअल कंसेप्ट होता है, हमने कोई भी इवेंट तब रिकॉर्ड करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड करनी है जब वो अकर हो रही हो, जबकि एट द टाइम ऑफ इट्स प्लेस। अब उसके बाद आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है कि हमने वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जो मनी मेजर्ड, जिसको हम पैसे के फॉर्म में मेजर कर सकें। सपोज करते हैं बहुत बड़ी एक कंपनी है, कंपनी के एम्प्लॉइज जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए, अब उससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी तो नुकसान तो होगा, ऑब्वियस ही बात होगा।
लेकिन क्या आप इसको मेजर कर सकते हो? नहीं। तो इसलिए इसी कंसेप्ट के चलते, मतलब कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो बोलता है ह्यूमन रिसोर्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को आप मेजर नहीं कर सकते। मेरा एक बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉई है, आज वो नहीं आया कंपनी में, आज उसने छुट्टी मार ली, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब कि आपने मान के चलना है, आपने ये नहीं समझना 2 से 3 साल में कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं 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 आपने मान के चलना है ये चलेगी अभी अच्छा था अच्छा टाइम निकालेगी। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है मैंने किसी एक प्रोडक्ट, कोई मैंने अपनी परचेज की है, कोई मैंने गुड्स खरीदे बेचने के लिए, उन गुड्स की मैं एंट्री किस वैल्यू में करूँगा? कॉस्ट में, मतलब जितने थे खरीदे थे उतने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर सवाल आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा इनमें से नहीं है? याद रखना 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस है, ठीक है। गोइंग कंसर्न अभी मैंने समझा दिया, एक्चुअल समझा दिया, कंसिस्टेंसी क्या होता है? हमने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंट क्या होता है? जो हमेशा एज जैसा है, जब आप पढ़ाई भी करते हो बहुत से मुझे कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, तो मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंट रहो, चाहे दिन में 2 घंटे पढ़े हो लेकिन लगातार पढ़ो, ऐसा नहीं है एक दिन 8 घंटे पढ़ा उसके बाद किताबें छोड़ दी, नो। कंसिस्टेंसी मतलब जो आपने एक वाई प्रिंसिपल्स फॉलो किए हर साल वही फॉलो करो। तो गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी और एक्चुअल, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। अब क्वेश्चन में नॉट पूछा था तो कौन सी नहीं आई डी? प्रूडेंस नहीं आई डी, तो प्रूडेंस अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है। और प्रूडेंस का दूसरा नाम क्या है वो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओगे, पर प्रूडेंस क्या होता है, क्यों काम करता है, वो भी कमेंट सेक्शन में आप अभी डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। अब आता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक को आप किस में वैल्यू करते हो? मेरे पास कोई स्टॉक बच गया उसको मैं अकाउंटिंग बुक्स में किस में एंट्री करूँगा? ये तो होता है कॉस्ट प्राइस, इसकी अब आप एंट्री समझो। सपोज तो मेरा मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है, ठीक है, मैं सिर्फ आईफोन बेचता हूँ, मेरे पास 100 आईफोन बचे हैं, 8 आईफोन की वैल्यू लगभग 8 लाख है, ठीक है, तो मतलब मेरे पास 100 करोड़, और जब मैंने खरीदे थे तब 8 लाख रुपये था, 8 खरीदा था, ठीक है, कितने का खरीदा था? 8 लाख रुपये का 8 आईफोन, तो यानी कि मैंने तब 8 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा ऑब्वियसली, क्योंकि 100 आईफोन है 8 लाख का रहता है, तो कितना वो 8 करोड़ रुपया मैंने तब खर्चा है। लेकिन अब खरीदने के बाद अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, अब उसकी वैल्यू हो रही है 8 करोड़ 20 लाख, 1.2 लाख, तो यानी कि अब मेरे पास जो गुड्स हैं जो बेचने दिए गए थे, जो परचेजेस हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो रही है? 8 करोड़ 20 लाख। तो मैं एंट्री कितने की करूँगा अपनी बुक्स में, अगर ये स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है, 8 करोड़ की करूँगा या 8 करोड़ 20 लाख की करूँगा, बताओ? 8 करोड़ है कॉस्ट कंसेप्ट, 8 करोड़ 20 लाख है मार्केट प्राइस, 8 करोड़ है कॉस्ट प्राइस, 8 करोड़ 20 लाख है मार्केट प्राइस। क्यों मार्केट प्राइस क्यों है? क्योंकि अभी मार्केट में 1 करोड़ 20 लाख खत्म आ रही है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसको बेचूंगा, मैं किसने में एंट्री करूँगा? कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, विच एवर इज वेस, ठीक है, या तो कॉस्ट में करूँगा, सॉरी एंड यहाँ पे और आना चाहिए था, कॉस्ट पे करूँगा या तो मार्केट पे करूँगा, इन दोनों में से जो भी कम हो, ठीक है गाइस, जो भी कम हो। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया। इसका दूसरा नाम क्या है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड, कौन से प्रोसेस के चलते अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो? देखो अकाउंटिंग में एक फेज होता है रिकॉर्डिंग का, उसके बाद आता है क्लासीफाइंग, उसके बाद आता है समराइजिंग। जो पहले दो होते हैं रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, इनको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, और जब इन तीनों को जोड़ो रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, इनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। तो कौन से कंसेप्ट के चलते हम रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग और समराइजिंग अब तीनों पूछे हैं, तो आंसर क्या आएगा? अकाउंटिंग। अगर सिंपली रिकॉर्डिंग पूछा होता तो आंसर आता बुक कीपिंग, अब क्योंकि सब कुछ पूछ लिया तो आंसर आएगा अकाउंटिंग। अब आता है क्वेश्चन, द पर्सन फर्म और इंस्टीट्यूशन विच डज नॉट पे द प्राइस इन कैश,
फॉर गुड्स परचेस्ड और सर्विस कॉल्ड। हमारी फर्म से किसी ने, कोई बंदा, कोई फर्म या इंस्टीट्यूशन जो हमें कैश नहीं देता है, जिससे हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदा बट पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अदर सपोज तो मेरी मोबाइल की दुकान है, कोई मेरे से मोबाइल कोई बंदा ले गया, कोई फर्म या इंस्टीट्यूशन ले गया और उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, तो वो क्या कहवाएंगे? उन्होंने आज पैसा नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कभी पैसा देंगे ही नहीं, कभी ना कभी तो देंगे, तो वो क्या है? मेरी ये एसेट है ना, ठीक है, मतलब कि एसेट है, तो एसेट कौन होते हैं? डेप्टर, जिन्होंने मेरा पैसा देना है, ऑब्वियस ही बात है। ये मेरे डेप्ट, डेप्ट क्या होता है? उधार, ये मेरे उधार करे दबे हुए हैं, इन्होंने मैं उधार देना है। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनका हमने उधार देना है। डेप्टर कौन होते हैं? जिन्होंने हमारा उधार देना है, और जिनका हमने उधार देना है वो हमारी ये टेंशन है, तो क्रेडिटर होते हैं लाइबिलिटी। लेकिन डेप्टर कौन होते हैं? ये होते हैं एसेट, क्यों? क्योंकि इन्होंने आज नहीं तो कल हमारा पैसा वापस करना ही है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इस, ये आप सबको पता है, डबल एंट्री सिस्टम। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डबल एंट्री मीन्स, डबल एंट्री का क्या मतलब होता है ये भी आपको पता है, एंट्री इन टू आस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। कौन से आस्पेक्ट होते हैं? एक होता है डेबिट आस्पेक्ट, एक होता है क्रेडिट आस्पेक्ट, ठीक है। जो भी एंट्री होती है उसका ड्यूअल इफेक्ट होता है, एक ज़रा डेबिट होती है, एक ज़रा क्रेडिट भी होती है। कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर इज कॉल्ड, जो ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि जो बिजनेस में जो पैसा लगता है, ठीक है, हम उसको कैश में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ओनर का पैसा है, और ओनर और बिजनेस अलग अलग हैं, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस की एक लाइबिलिटी बन जाती है, बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है कि जो पैसा ओनर ने लगाया है वो मैं उसको कमा के वापस दूँ, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी कैपिटल, और कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर की जाती है। अब उसके बाद आ गया आपका द डिस्काउंट अलाउड बाय होलसेलर टू रिटेलर ऑन इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश। इमीडिएट मतलब कि अदर सपोज फॉर, जैसे मैंने किसी के 1,000 रुपये देने हैं, तो बंदा बहुत अच्छा, वो आज दे दो, 800 रुपये में काम खत्म हो जाएगा, कि जल्दी जो पैसा दे दिया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड, एक होता है कैश। फर्क क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट हो गया, सपोज तो आप जैसे तनाल रोड में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे भी था होते बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं, फ्लैट 50% ऑफ, ये उसको पता है कि मैंने 50% ऑफ पहले से करना ही करना है, और उसने ये 50% ऑफ करके ही अपनी बुक्स में प्राइजेस एडजस्ट किए हुए हैं, इसमें बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये किसे ये दिए जाते हैं? टू इंक्रीज द सेल्स, ताकि सेल्स बढ़े, ये ऐसे अट्रैक्टिव से डिस्काउंट होते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जिसका पता ही नहीं था, जैसे मैं गया कोई, मैंने अब मैं यहाँ पे नहीं जाता, शोरूम्स की बात नहीं मैं करता हूँ, एक जो बेसिक चीज़ से लड़कों को पता ही होता, पहाड़ियाँ महल्ला। अब वहाँ पे कोई मुझे जीन्स पसंद आई 1,200 रुपये की, ठीक है, अब वहाँ पे बारगेन भी मैं करूँगा, तो जब बारगेन करूँगा तो मैं बोलता हूँ भैया 1,000 रुपये की दे दो, चलो, तो वो 1,000 रुपये में मान जाता है। लेकिन वो 1,000 रुपये में कैसे एडजस्ट करेगा? वो 200 रुपया कैश डिस्काउंट दिखाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश पे बात हो रही। कैश डिस्काउंट जो है ये रिकॉर्ड होता है बुक्स में, रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, और इसका आंसर भी क्या आएगा? कैश डिस्काउंट, ठीक है, द डिस्काउंट अलाउड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर ऑन इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश। सॉरी, इसका जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि इसकी जो PDF है वो अदर गूगल ड्राइव का इंटरव्यू मैं बनाने की अभी कोशिश करता हूँ, अगर बन जाता है तो अच्छा है, नहीं भी बनता है तो हम इसकी एक PDF इसी टॉपिक की उसमें भी डाल रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी डलवा दूंगा मैं, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर आपने इन्जॉय किया होगा। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपने इसी मतलब कि इसी टॉपिक को अभी कंटिन्यू करना है या हम नेक्स्ट टॉपिक में चले, जैसा आप बताओगे उस हिसाब से हम लेक्चर बनाते जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स जो मुझे अप्रोच करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं 4 से 5 के बीच मैं आप सबकी कॉल्स उठाता हूं, काफ़ी कॉल्स आती हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर जो है वो है 7889373794, बट याद रखना 4 से 5 के बीच, इसके अलावा मैं कॉल्स को एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। 7889373794। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।